मध्य प्रदेश में एक तरफ चुनाव में टिकट को लेकर सभी राजनीतिक दलों में माथापच्ची चल रही है, तो वहीं ग्वालियर की डबरा सीट से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के आपत्तिजनक वीडियो से हड़कंप मच गया है। हालांकि वायरल वीडियो पर कांग्रेस विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि इसे एडिट करके बनाया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूँ आपके साथ पूजा चौहान। ग्वालियर की डबरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। वहीं वायरल वीडियो को लेकर विधायक सुरेश राजे ने खुद मीडिया के सामने आकर सफाई दी है और कहा है कि ये एडिट करके बनाया गया है, चुनाव के समय उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया है। जिस तरह की राजनीति में इस तरह के षड्यंत्र इस स्तर पर भी किए जाते हैं, ये बहुत निंदनीय है। राजनीति में हार जीत ये सब चलने वाले क्रम है, लेकिन जिस तरह से मेरी छवि धूमिल करने का कृत्य किया गया है, मुझे नहीं लगता। और जब इसका पर्दाफाश होगा, एडिट वीडियो बनाने वालों का, एडिट वीडियो बनवाने वालों का और एडिट वीडियो को बगैर किसी उसके वायरल करने वालों का, तीनों ही घेरे में आएंगे और तीनों को इसका जनता जनार्दन के साथ साथ कानून का सामना करना पड़ेगा। क्या लगता है कि ये वीडियो में जो वायरल वीडियो है उसमें दिख रहे हैं वो आप हैं? बिल्कुल नहीं, ये वीडियो आज वायरल नहीं होता और तो निश्चित रूप से जो उन्होंने मैसेज मुझे भेजे और उनके और पुख्ता वीडियो मेरे पे आ सकते और पुख्ता वो आ सकते थे मेरे पे सबूत। उन्होंने 50 लाख की मेरे से डिमांड की कि आप 50 लाख रुपये जैसी उनके लिए बोले मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन उनका यह कहना तुम्हारे लिए बहुत छोटी रकम है और सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने में जिस तरह से हालात हैं उसमें आप कहाँ पहुँचने वाले हो, इसलिए आप ठीक रहोगे वरना आपका कैरियर तबाह हो जाएगा। किस तरह की अब कार्रवाई का मूड है आपका? आपको बता दें कि जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश से चली गई थी, तो डबरा विधायक पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ BJP की सदस्यता ले ली थी। यहां उपचुनाव होना था, इमरती देवी को BJP ने मैदान में उतार दिया, तो डबरा से BJP नेता रहे सुरेश राजे नाराज हो गए और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सुरेश राजे ने इस सीट पर हुए उपचुनाव में इमरती देवी को शिकस्त दे दी। अब चुनावी साल में इस कथित आपत्तिजनक वीडियो से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को झटका भी लग सकता है। जब टिकट को लेकर चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तब विधायक का ये वीडियो आग में घी डालने का काम भी कर सकता है। हालांकि आग फैलने से पहले ही विधायक ने मीडिया के सामने आकर सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये वायरल वीडियो को एडिट करके बनाया गया है, ये वीडियो उनका है ही नहीं और न ही इसमें उनकी आवाज़ है। सुरेश राजे ने वायरल वीडियो में गहरी साजिश होने का इशारा किया है और कहा है कि वायरल वीडियो के एवज में उनसे 50 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा उनके पास मैसेज भी आए हैं, वो जल्द ही इसकी शिकायत थाने में भी करेंगे। अभी फिलहाल वो अपने वकील से कानूनी सलाह ले रहे हैं। आपको बता दें, डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का एक लड़के के साथ होटल में 6 मिनट से ज्यादा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।